तो फाइनली 20 रुपये वाले को टीम में ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिला। मैंने बोला अकेले जाने से बेटर ये है। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ एविएशन में जॉब करने का फ़ायदा और कॉरपोरेट में जॉब करने का नुकसान। अभी विकास से मिला था ना, तो वो भी मेरे को बोल रहा था कि वो चिट्ठी वगैरह निकली है तो सामने में जिसका भी नाम मिलेगा उसको गिफ्ट देना होता है, देना होता है ना, नहीं मिलता भी और देना भी होता है। हाँ, तो विकास भी कुछ बोल रहा था किसी लड़की का नाम है उसको गिफ्ट देना है। तो उसने क्या चूज किया पता नहीं। तो ये पूछ रहा है कि मैं गिफ्ट क्या दे दूँ। मैं कह रहा हूँ भाई मेरा नंबर दे दे। इससे अच्छा गिफ्ट क्या रहेगा उसके लिए बता भाई। तो सेकंड स्टोरी ये मिल गई है, एक तो भाई की गलती माफ करके इसको मैंने टीम में ऐड किया कि चल भाई आज से घूमेंगे मजे लेंगे, तू भी अपना दोस्त है। तो ये हरामी मेरे को बोलते हैं भाई मैंने तेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो कहते हैं अभी तेरी वीडियो 100-100 तक जा रही है, तो ये 100 लोग हैक कौन, मेरे को उनका टेंशन आ रहा है देख के। बताओ कोई समझ में नहीं आ रहा है, मतलब तेरे लिए ना कोई अलग से गाली नहीं, वो पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं ना टेबल पे, अरे बोलो बोलो वो वाला है, नहीं गाली नहीं दूंगा। 100 लोग हैक हुए अभी जो भी है, तो साले तू मेरी टीम में कि तू उन लोग की टीम में है? ये टीम में हूँ लेकिन। उतर तेरे लिए ऑफर नहीं, उतर तू नहीं ये टीम में है। तो हम लोग मस्त है कि इधर गोरेगांव में खड़े हैं फिल्म सिटी रोड पे, और अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि भाई अपने को जाने का किधर है, आगे करना क्या है। लेकिन उसके पहले हम क्या मस्त एक ठंडा पानी पिए हैं जो कि माइंड सेट हो जाए। मस्त एक ठंडा सिर्फ पानी है भाई, सिर्फ ठंडा पानी ताकि माइंड सेट हो जाए। अभी यहाँ से ना एक इंटरसेप्टर आई, जैसे ये जा रही है ना, ये तो दुकाती थी, सेम ऐसे ही एक इंटरसेप्टर आई, तो इससे मैं बात कर रहा हूँ। ये भाई इंटरसेप्टर के साथ में वहाँ तक चला गया, वहाँ उसको छोड़ने चला गया, फिर इसकी आत्मा को मैंने बुलाया कि भाई इधर आजा, क्या हो गया तेरे को, तो रिटर्न आया। तो मैंने इसको पूछा कि क्या देख रहे हैं, तो कहता है इंटरसेप्टर क्या बाइक है यार, अच्छी लगी मेरे को। तो ये भाई को ना बाइक चलाने नहीं आती है, लेकिन भाई को देख के मज़ा आ रहा है, बाइक बहुत बड़ी है। तो मैंने इसको पूछा देख के क्या फ़ायदा, कम से कम तू ये तो चला के दिखा दे, ये गाड़ी है तू ले चला रात भर, समझ जाऊँगा तेरे को आती है। मैंने बोला बोरीवली से अंधेरी तेरे को बाइक लाने के बोलेगा तो ला नहीं पाएगा, तो बोलता है नहीं मैं ला लूँगा लेकिन कैसे लाऊँगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बाइक चाहिए तो अपने को ना दोस्त कॉन्फिडेंस तेरे जैसा चाहिए लाइफ में, समझ रहे हैं, जो जो बहुत दिन के बाद आया। 12:27 12:30 हो रहा है, तो अभी अपन जाएंगे अपनी पहली मंदिर की तरफ। इससे इसका एक नाम रखने गए रहे, अच्छा याद नहीं आ रहा है, बाद में सोच के रख देंगे, चलो फिर वहाँ पे रुकेंगे। तो वैसे मैं नहीं कुछ बोलने वाला था, लेकिन ये जो बंदा है इसको 20 रुपये की आइसक्रीम के लिए बाइकआउट किया था कुछ टाइम के लिए, टेम्प्रेरी बाइकआउट, ताकि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। और अभी हमारी ना एक बॉटल गिर गई पानी की, तो मैंने इसको मतलब बोला भी नहीं कुछ, लेकिन खुद बोलते अरे छोड़ अपने अद्भुत पैसा अपन पानी नया खरीद लेंगे, उसको मत उठा। 20 रुपये के लिए भाई बकचोदी कर रहा था और उतर के ये नहीं उठा पा रहे, कह रहे हम नया खरीद लेंगे, और यहाँ है हम लोग मतलब एक कदम की दूरी पे भी नहीं है, लेकिन भाई नया लेंगे। मेन दिक्कत है कि समझ रहे बाइक पे बैठने के लिए, समझ रहे विकास, समझ रहे विकास, समझ रहे हैं ना इसको। तो ये देखो ये जो अन्ना लगाता है ना, ये नल्ला नहीं है भाई, 5 बाइक यहाँ खड़ी है, 3 बाइक वहाँ खड़ी है, और वो क्राउड है। दिस इज अन्ना वाला ब्रांड। हाँ ये इसका फेवरेट है भाई का। तो ये है अपना पठानवाड़ी में हाईवे पे, ये लादी बीती की दुकान है यहाँ पे। कितने बजे, अराउंड 12 बजे स्टार्ट किया इसने, और 12 से इसके पास रहता है सुबह 4 बजे तक। आओ कभी खाओ। जो बंदा खड़ा है ना ऑरेंज शर्ट में, ये अन्ना ने रखा हुआ है खाली बाइक पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे रहकर लोगों को गाइड करके बाइक कहाँ पे खड़ी करनी है, और 12-13 बाइक अभी खाली खड़ी है। ट्राई करना कभी हाईवे के जस्ट बाजू में यहाँ पे। लेकिन आज अपन जाएंगे पहले जुहू, आज जुहू जाएंगे, और कहाँ पे जाएंगे पटाख से शॉर्ट में बता दे पे। हमने एक बार फाइन भरा था अच्छा खासा, और बहुत हैवी केस में। इसके लिए हम लोग जुहू जाएंगे कि उस जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे फाइन भरा था हमने, नॉर्मली जाएंगे। तो अभी यहाँ पे रुकने का रीज़न ये है, आगे राइट मारेंगे ना तो आगे राइट से जुहू है, तो हम लोग एक बार वहाँ से निकल रहे थे। ये भाई को एक स्टोरी याद आ गई, बोलता है कि एक कहानी है, बोला बता।
तो कहता है ना, यहाँ से हम निकले थे एक बार, हम राइट मार के जा रहे थे ऐसे घूमने, तो पीछे से हमको एक स्विफ्ट वाले ने ठोक दिया था। हमारी स्पीड 30-40 ही थी, ज़्यादा नहीं थी, हम साइड से जा रहे थे प्यार से, और भाई ने ठोक दिया, लेकिन नुकसान उसी का हुआ, उसका पूरा बम्पर लटक गया और अपनी गाड़ी पे खाली स्क्रैचेस आ गए। क्यों? ओनली बिकॉज ये जो हमने इतनी सारी प्रोटेक्शन लगा रखी है ना भाई, ये प्रोटेक्शन में अगर तुमको कोई ठोकेगा ना गाड़ी, तो तुम्हारा तो नहीं पता, उसका गारंटेड नुकसान हो जाएगा। ये पब्लिक है जा रही है सिद्धिविनायक पैदल, जो कि हमारा भी एक टाइम था जो हम टाइम कितना हो रहा है दोस्त 150। और अभी हम लोग ने उस सिद्धिविनायक वाली पब्लिक को देखा, तो हमको याद आ गया कि दोस्त आज है मंडे, तो मंडे तो अपन भी अगर टाइम मतलब वो हिसाब से एडजस्ट हुआ ना, तो सिद्धिविनायक की आरती अटेंड करेंगे सुबह की, ठीक है? वो रहती है अराउंड 5:30 बजे, लेकिन भाई क्राउड फट्टे होता है, हद से ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसीलिए वो ड्रॉप कर। ये पब्लिक फोटो तो खिंचा के पानी में बढ़ी है, अब जा रही है घर। हाँ, अच्छी बात ये बोलनी थी कि भाई ने 20 रुपये के लिए लड़ाई कर ली थी, उसका हरजाना भुगता भाई ने, कम ज़्यादा ही भुगत लिया बेचारे ने। भटका मत, तो ये भाई ने क्या किया, 20 रुपये के लिए मच किया, तो मैंने इसको स्टेटस पे बढ़िया ट्रोल कर दिया। 100-150 जो लोग मेरा स्टेटस देखते हैं ना, अपने दोस्त लोग, सबको पता है कृष्णा कौन है और कृष्णा के साथ क्या लड़ाई होती है, क्यों होती है। तो अभी भाई को मैंने ऐड किया, मतलब चलो एक मौका देते हैं। हम लोग निकले घर से, कुछ नहीं लिया अभी तक, तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ 550 का पेट्रोल गाड़ी में डाला है और 200 रुपये हार्डली नाश्ते के लिए खर्चा हुआ रहेगा। तो भाई कहते हैं अभी 20 रुपये का तू बहुत महंगा खर्चा कर रहा है। वही तो बात है, ये मैं बहुत टाइम से बोलने आ रहा था, लेकिन बड़ी बात है तू आज सीट पर बैठा है पीछे, वो बड़ी बात है, समझा। टीम में लेना तो एक बहाना, तो एक बात बता, सेंटा क्रूज वेस्ट में ना हम लोग यहाँ पे आए, मैंने पानी लेना था, नॉर्मली हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन आज मूड कर दिया माजा पीने का, हमने माजा ले लिया, तो इसको बोला भाई जान दे, तो ये जा ही नहीं रहा था डर के मारे, फिर अंदर गया, एक माजा लिया, 1/2 लीटर का लेना था, वो 1/2 लीटर का माजा भाई के पास है नहीं, सवा 1 लीटर का, इसको बोलते बंटी कर्मा, समझ रहे, अगर तू चिंदीगिरी ना करे ना, तो इधर 1/2 लीटर का अवेलेबल रहेगा नहीं उसके पास, अबे आज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सब उसको एक टाइमिंग रहता है ना भगवान का, उनको पता है तो हमारे साथ चीटिंग करता है, तूने पिज्जा के लिए एक बहुत बड़ी कहानी पकड़ दी थी, याद है ना तेरे को, समझा, तो वैसा फालतूगिरी नहीं करने का, तो ऐसे नेक्स्ट टाइम जब कभी फ्यूचर में अपन रुकेंगे तो 1/2 लीटर का मिल जाएगा, तेरे एक्स्ट्रा पैसे नहीं जाएंगे। और विकास जब भी वहाँ पे कर रहा था ना, तो जैसे नॉर्मली इसको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से भूख लगी है, हम लोग दादर से आ रहे हैं इधर सिद्धिविनायक साइड गए थे, इसको वहाँ से भूख लगी है, बोल रहा है कुछ खाना है, इसको मैंने 8 से 10 दुकान पे, ऐसा दुकान है ना छोटा मोटा, रुका है, बोला भाई पूछ ले उधर कुछ है कि नहीं, क्योंकि दूर रहता है ना उधर गाड़ी, तो ये भाई नहीं बोल रहा है, पहले ही बोलता है नहीं है नहीं है, इधर भी वही किया, मैं बोला पूछ ले, तो बोलता है नहीं है नहीं है, चल चल, वो भाई अभी गए ना खा के, मैं उनको पूछा भाई कुछ मिलेगा, तो बोलता है हाँ इडली वड़ा सब है, भूख लगी है, खुद भाई को नहीं पता है, उसका भी ध्यान हम लोग देना है। मैं भी दीपक अगर दीपक ये पार्ट देखेगा ना, दीपक मौर्य, तो वो समझ जाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं और क्या चल रहा है हमारे अंदर, क्योंकि वो इस मौके पे जा चुके हैं। बस वो बंदे को पता है कि कब मेरी बात सुनना बंद करना है, एक टाइम आता है, आएगा एकदम फॉर्म में आएगा तेरे जैसा, एकदम फॉर्म में आएगा कि भाई चल ऐसे वैसे करके, फिर एक टाइम उसका निकलेगा ना, तो भाई भाई मेरे को भी घर जाना। हाँ किया यार पेंटिंग, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, वैसे ये सब अभी बना दिया, पहले यहाँ पे बालू था ना पूरा, लेकिन पेंटिंग अच्छी लगी दोस्त अपने को, भोलेनाथ जी है और नागो भाई।
एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, तो सोचा बता देता हूँ। अभी मैं हूँ भाई के घर पे, भाई कितना प्यार से सो रहा है और कितना मासूम भी दिख रहा है, लेकिन इसको भी मासूम समझने की गलती मत करना कभी भी, ठीक है? मासूम बिल्कुल नहीं है ये। तो अभी बज रहा है 4:40। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ याद है, तो मैंने सोचा बता दूँ। ज़िंदगी में कुछ कमाओ या मत कमाओ, कुछ बनाओ या मत बनाओ, लेकिन एक दोस्त ऐसा ज़रूर बनाओ कि जिसका ऐसा घर हो और रात को 4 बजे तुम इसके घर पे एंट्री मारो बिना बताए, सरप्राइज एंट्री। इसके घर पे आया, इसके पापा ने दरवाज़ा खोला, शौक हो गया, अरे ये कहाँ से आ गया ये टाइम पे। फिर मैंने पूछा अंकल चाय पियोगे कॉफ़ी, तो कहते कॉफ़ी बनाओ कॉफ़ी। अब मेरा क्या, मेरे पास तो चाय कॉफ़ी पड़ी रहती है हमेशा, तो मस्त पे की 2 कॉफ़ी बनाया, एक अंकल को दिया और एक यहाँ है। तो ये वीडियो का पर्पस खाली इतना था कि एक घर ऐसा ज़रूर बनाना कि अगर तुम्हारे खुद के घर से तुमको निकाल दे तो एटलीस्ट 2-3 महीने तुम यहाँ पर रह सको। इसकी मम्मी तो साक्षात देवी है, अगर 3 घंटे इसके घर पे निकाला तो 3 घंटे में 3 बार चाय तो मिलती ही है बिना मांगे, और नहीं मिलती है तो मैं खुद की जेल में पहुँच जाता हूँ कि भाई चाय गई कहाँ। बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 5:15 बज रहा है। भाई के घर पे बैठा हूँ, मेरे को तो नींद आ नहीं रही है, नाइट कर कर के जाग जाग के। ये जो भाई है ना, ये जस्ट अभी उठा था पानी पीने के लिए, तो ऐसे मेरे को देख रहे हैं, ऐसे करके मैं देख रहा है और कह रहे हैं क्या भी चमला दे, नींद नहीं आ रही है, ऐसे रिप्लाई करते हैं।